हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अभी एमपीपीएससी 2020 में वेरी इंपॉर्टेंट कुछ परीक्षा होने जा रही है दोस्तों, प्री टेस्ट, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका सही आंसर है जनगणमन। कौन सा आंसर है इसका? राष्ट्रगान कौन सा अपना? जनगणमन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से रचयिता है इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इस समय लगता है 52 सेकंड। कितना समय लगता है? 52 सेकंड। कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। कौन सी मुद्रा है दोस्तों? रुपया। अगला देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। अगला पांचवा प्रश्न, ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न, देखते हैं दोस्तों, इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। कौन सा दोस्तों? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? ये दोस्तों बंकिम चंद चटर्जी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? कमल। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो पक्षी है दोस्तों मोर। मोर अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी हो गया। नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। कौन है राष्ट्रीय पशु? बाघ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है दोस्तों? तिरंगा। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप कब स्वीकार किया गया था? तो ये दोस्तों 22 जुलाई 1947। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? ये 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:2। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में, अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ दोस्तों? सत्यमेव जयते। क्या लिखा दोस्तों? सत्यमेव जयते। अगला है, भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा था?